का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने शुभकामनाएं दी, देश और प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल मिश्र ने इस अवसर पर प्रदेश वासियों से आह्वान किया और कहा कि आपसी भाईचारे और सद्भाव को कायम रखना है, राष्ट्र की उन्नति के लिए मिलकर सभी को प्रयास करने हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के साल में इस पावन अवसर पर हम नमन करें स्वतंत्रता सेनानियों को, हम नमन करें शहीदों को, हम नमन करें महापुरुषों को जिनकी शहादत, त्याग और बलिदान और लंबे संघर्ष के बाद देश आजाद हुए। उनकी शहादत को, उनके त्याग को, उनके बलिदान को, उनके संघर्ष को याद करें, उन्हें नमन करें। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अनूठी पहल देखने को मिली। जयपुर में स्वतंत्रता सेनानियों के घर गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। स्वतंत्रता सेनानियों के घर पर तिरंगा फहराया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अब तक प्रशासनिक अधिकारी ही जाते थे इनके घर पर, लेकिन आज प्रदेश के मुखिया खुद पहुंचे। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर स्वतंत्रता सेनानी भी गदगद नजर आए, गौरवान्वित महसूस करते नजर आए। परिजन भी सीएम को अपने घर देकर खुशी से फूले समा नहीं रहे थे। वाकई में स्वतंत्रता दिवस को यादगार बना दिया मुख्यमंत्री गहलोत। और अब अशोक गहलोत कल फिर लेंगे बैठक, लंपी बीमारी पर नियंत्रण हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा बैठक लेंगे। 15 अगस्त को दोपहर 2 बजे से बैठक होगी। बैठक में विधायक होंगे, जनप्रतिनिधि होंगे, डेयरी संचालक होंगे, गौशाला संचालक होंगे, स्थानीय निकाय, कृषि एवं पशुपालन विभाग के अधिकारी भी इसमें हिस्सा लेंगे। जिस तरीके से विश्व के अंदर कोरोना फैला, हिंदुस्तान के कई राज्यों के अंदर पशुओं में उसी तरीके से लंपी बीमारी फैल रही है जो पशुओं की जान ले रही है। मुख्यमंत्री इसको लेकर गंभीर। बाकायदा मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से कोरोना के दौर में लोगों की जिंदगी को बचाया, उसी तरीके से लंबी बीमारी के दौर में पशुओं की जान को जाने नहीं दिया जाएगा और इसके लिए तमाम वो व्यवस्थाएं की जाएंगी जिससे गोवंश को बचाया जा सके। और इसी कड़ी में कल एक और बैठक है। आज भी मुख्यमंत्री ने बैठक की, उसमें कई सुझाव, कई दिशा निर्देश दिए। कल 2 बजे बैठक है जिसमें तमाम गौशालाओं के प्रतिनिधियों को जोड़ा जाएगा, स्थानीय निकायों को जोड़ा जाएगा, कृषि एवं पशुपालन विभाग के अधिकारियों को जोड़ा जाएगा और इस बैठक के जरिए वो निष्कर्ष निकालने की, वो राह निकालने की कोशिश की जाएगी जिसके जरिए लंपी बीमारी को राजस्थान से बाहर किया जा सके, बिल्कुल उस अंदाज में नजीर स्थापित की जा सके जिस तरीके से कोरोना के दौर में राजस्थान मॉडल विश्व भर के अंदर प्रसिद्ध हुआ। तो लंपी वायरस पर रिव्यू मीटिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि संक्रमण को गंभीरता से लेने की जरूरत, ब्यूरोक्रेसी में क्षमता है कि तय करने पर कामयाब होकर रहते हैं। कोरोना संक्रमण के समय शानदार काम किया था। राजसमंद को लेकर चिंता जताई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और कहा कि गायों के बाद भैंस के अंदर भी संक्रमण की बात सामने आ रही। पशु मुंह खोते हैं, बोल नहीं सकते। गाय माता की सेवा करना हमारा धर्म है। गौशालाओं को 6 की बजाय 9 महीने का अनुदान दिया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि पशुधन बचना चाहिए। 3 लाख से ज्यादा संक्रमित हुए हैं पशुधन। हजारों पशुधन की लंपी बीमारी की वजह से मौत हो चुकी है और पब्लिक के इन्वॉल्वमेंट से काम सफल होगा, इस बीमारी को कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला